गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. आई एम प्रशांत बागमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जोधपुर. पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, और उसके बाद में जब ट्रांसफार्मर बन जाता है तो उसके अंदर एयर पार्टिकल्स या खाली जगह बच जाती है, उसको रिमूव करके हम उसके अंदर वार्निश भरते हैं और उसके लिए हम काम में लेते हैं इम्प्रिगेशन प्लांट. ये सब पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ते हैं कि जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जब हम वाइंडिंग लपेटते हैं तो ये वाइंडिंग जो है किसकी मदद से वाइंडिंग लपेटी जाती है. जैसे कि हमने कैलकुलेशन की थी कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न चाहिए और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न चाहिए और किस किस टर्न के बाद में हमको टैपिंग करनी है और कौन सा गेज का SWG वायर काम में लेना है. ये सब कैलकुलेशन कर ली गई थी. जब हम बात करेंगे कि ये जो टर्न है, प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न लपेटना है किसके ऊपर, बॉबिन के ऊपर, तो हम कैसे लपेटेंगे, तो हम उसके लिए काम में लेते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन. तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन इज़ यूज फॉर वाइंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, IFT दैट मीन्स इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, रिले कॉइल एंड कॉइल ऑफ रेडियो. यानी जहाँ पर भी हमको कॉइल लपेटनी है, वायर लपेटना है, वहाँ हम इस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं. इट इज़ अ मैनुअली ऑपरेटेड और बाय इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेटेड. हियर वी डिस्कस द हैंड ऑपरेटेड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन एज शोन इन द नेक्स्ट फिगर. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर अपन एक बार देखते हैं. सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है बेस प्लेट, जिसके ऊपर सभी असेंबली लगाई जाती है. यानी एक बेस प्लेट होती है, एक बेस होता है जिसके ऊपर पूरी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन को लगाया जाता है. फिर रोटेटिंग हैंडल, एक रोटेटिंग हैंडल होता है. ये हैंडल हाथ से घुमाने के काम आता है जिससे कि वाइंडिंग जो है वो बॉबिन के ऊपर लपेटी, जैसे कि सिलाई मशीन में धागे को भरते हैं, पतंग उड़ाते हैं, चरखी में धागा भरते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर बॉबिन के ऊपर धागा या बॉबिन के ऊपर वायर को लपेटने का कार्य करेंगे, वो हैंडल होगा. चक एंड शाफ्ट, चक एंड शाफ्ट जिसके ऊपर हम उसको बॉबिन को लगाएंगे. काउंटर, काउंटर ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स बॉबिन के ऊपर लपेटे जा चुके हैं, वो टर्न्स काउंट करने का कार्य काउंटर करता है. गियर चेंज लीवर, ये गियर चेंज लीवर जो है वो गियर शिफ्टिंग यानी काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने के काम आता है. ये है हमारे पास डायग्राम. यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहले वायर स्पूल एंड स्पूल लोडर, ये एक वायर का गट्टा लगाने के काम आता है. यानी एक हमारे पास पूरा वायर का गट्टा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 18 SWG वायर का गट्टा लगा दिया और उससे फिर नीचे देखो आप बेस प्लेट लिखा है, जस्ट उसके ऊपर बॉबिन लगा रखी है. ये बॉबिन से वायर दो पुली के थ्रू, घिरनियों के थ्रू इसके ऊपर लगाया जाता है. और अब हम जब लपेटेंगे तो ऊपर का जो वायर स्पूलर है वहाँ से वायर निकल कर इस बॉबिन के ऊपर लपेटा जाएगा. किसकी हेल्प से? रोटेटिंग हैंडल की हेल्प से. तो अब इसका डिटेल में बात करते हैं. तो सबसे पहले हम ऊपर उसको वायर को लगाएंगे और एक बॉबिन लगाएंगे एक लकड़ी के बेस के साथ में, और यहाँ पर स्प्रिंग लोडर लगाया हुआ है, चक और शाफ्ट लगाई हुई है, उसके थ्रू बीच में लकड़ी का गट्टा फंसा कर उसके ऊपर बॉबिन को लगाया जाता है. उसके जस्ट पास में काउंटर लगाया हुआ है, ये काउंटर काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे गए हैं. उसके जस्ट ऊपर गियर असेंबली है, गेज सेलेक्टर है जो कि सेलेक्ट करता है यानी हमारे को कौन सा गेज का वायर काम में लेना है या वो है यानी एक्चुअल में वो मेजरमेंट हम वहाँ से कर सकते हैं. उसके बाद में इसके जस्ट नीचे रोटेटिंग हैंडल और गियर चेंज लीवर लगा रखा है. ये क्या करते हैं कि राइट
और लेफ्ट इट मींस क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज इस पुल्ली को, इस घिरनी को और इस बॉबिन को घुमाने के लिए काम आता है। तो अब हम सिंपल असेंबली लेते हैं, वायर लगा देते हैं और फिर उसको घुमाते हैं। रोटेटिंग हैंडल घुमाने से नीचे की लगी हुई साथ की असेंबली घूमती है और असेंबली घूमते ही बॉबिन घूमती है और घूमते घूमते नंबर ऑफ काउंट बढ़ते रहते हैं और हमें पता चलता रहता है कि हमने प्राइमरी और वायर जो लपेटा है वो कितने नंबर ऑफ टर्न्स लपेट लिए हैं। एक हल्का सा डिफरेंस इसके अंदर ऊपर स्प्रिंग लोडर का है जो कि इलेक्ट्रिकल और रोटेटिंग दोनों में काम आता है। उसमें सिंपल यही है कि स्प्रिंग सस्पेंशन है जो कि बहुत ही बारीक वायर को लपेटने के लिए काम आता है। फिर छठा नंबर जो हम पांच पहले पढ़ चुके हैं उसमें कंटिन्यू में गियर असेंबली वही एक सेम है। गेज सेटर और गेज प्लेट जो है जो हमने देख रखी है जिसमें हम सेट कर सकते हैं कि हमको कौन सा वायर काम रहता है तो उस गेज का है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। मेन कैरेज असेंबली जिसके ऊपर पूरा कसा जाता है। स्पूल लोडर जिसके ऊपर हम पूरा बड़ा वाला गट्ठा लगाते हैं। टेंशन एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू असेंबली दे रखी है, ज़्यादा टेंशन होने से वायर टूट जाएगा इसलिए हमको इसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। और ब्रेक शू लगे होते हैं बाय चांस अगर मोटराइज है और मोटर घूम रही है और मोटर बंद करने के बाद भी नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे जा सकते हैं, इसलिए हम उसमें ब्रेक शू यूज़ करते हैं जो ब्रेक शू इसको लपेटने को कंटिन्यूशन में रोकने के लिए काम आती है। ये इसके डिटेल डिस्कशन है, आप देख सकते हैं। बेस प्लेट, रोटेटिंग हैंडल, चक एंड शाफ्ट, काउंटर, गियर चेंज लेवल, गियर असेंबली, गेज सेलेक्टर और मेन कैरिज असेंबली, स्पूल लोडर और टेंशन एडजस्टमेंट असेंबली और ब्रेक शू लास्ट। द पुल गेट द रीडायरेक्शनल व्हेन देयर इज वायर इज ड्रॉन एट ए हाई स्पीड बाय मीन ऑफ द ब्रेक शू। एप्रोप्रिएट टेंशन एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक शू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।